जो 10% के वो 90% कब्जा जमाए बैठे हैं, जो आज गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा LIC और बिजली कंपनियां पेट्रोल कंपनियां गैस कंपनियां सब बेच दिया। अब आता तो मैं हिंदू बना दिया जाता है, और जब चुनाव चला जाता तो मैं OBC ये SC ST ये जाट गुज्जर ये सब बना दिया जाता है। क्यों, क्या कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी? इस देश के जितने हक अधिकार छीने हुए हैं वो सब भी दिला देगा और इस देश की सत्ता पे भी कब्जा करके और इस देश को भी आगे ले जाएगा। ये OBC की ताकत है, वो सोया हुआ शेर है। अब OBC की जनगणना क्यों नहीं कराते? SC ST की करा रहे हैं, पेड़ पक्षियों की करा रहे हैं, घरों की करा रहे हैं, संपत्तियों की करा रहे हैं। भाई हम भी इसी देश के नागरिक हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं STV इंडिया। इस समय रामलीला मैदान में हूँ। OBC ने एक बड़ी कॉल की थी पूरे देश से OBC समाज को यहाँ पर इकट्ठा करने की, हकीकत कुछ और है। क्या कहेंगे विजेंद्र जी, जिस तरीके के हालात अभी हुए हैं क्या लग रहा है इसको देखकर, कैसे लड़ पाएंगे? बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे? और OBC के कंधे पर है सारी चीज़ें, दलित समाज तो लगातार, SC ST तो लगातार लड़ता रहा है, संविधान की सुरक्षा भी करता रहा है, 2 अप्रैल का मामला हुआ उसमें भी वो आगे आया, लेकिन OBC की बारी है, कैसे लड़ेंगे सर? देखिए, खाली OBC की बात नहीं है और खाली SC ST की बात नहीं है जो आप बोल रहे हो। अब ज़रूरत है SC ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर आज ये सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से ही हो रहा, ये किसी संगठन के माध्यम से नहीं हो रहा, किसी SC ST OBC के माध्यम से नहीं हो रहा, सबको लेकर और उसके माध्यम से किया जा रहा है। और अब ज़रूरत भी सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने की है, क्योंकि लगातार 75 वर्ष से 10% के लोग जो हक अधिकार छीन कर कब्जा जमाए बैठे हैं, आज इस महाकुंभ का एक ही हमारा मकसद है कि जो जनगणना हो रही है देश के अंदर उसके अंदर जातिगत जनगणना कराकर, खाली OBC की नहीं, खाली SC ST की नहीं, देश में 140 करोड़ लोगों की जनगणना कराई जाए। लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही ना आप लोगों की? भाई सरकार क्यों सुनेगी? सरकार जब तक नहीं सुनेगी, जब तक सरकार को पूरे देश का बहुसंख्यक समाज रोड पर नहीं उतरेगा, और रोड पर अब उतर रहा है, और सरकार को ये भी पता है कि अगर 75 वर्ष से जो 10% के लोग कब्जा जमाए बैठे हैं न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया अंदर, उनकी पोल खुल जाएगी तो वो डरे हुए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है आज वो जो है SC ST OBC को गुमराह कर रहे हैं। SC को ST से लड़ा रहे हैं, SC ST को OBC और माइनॉरिटी के लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर। अब बहुसंख्यक समाज के लोग शिक्षित हो चुके हैं, आज न्याय अधिकार महाकुंभ में निर्णय लिया गया कि अब एकजुट होकर इस देश के अंदर जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराई जाएगी, और उसकी हिस्सेदारी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, 90-10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सर दो गूंजेंगे देश में, अब ये नारे गूंजेंगे, आज इस मंच से गूंज रहे हैं नारे ये। और रही संख्या की, संख्या हमारी इतनी है, अगर वो एक बार इकट्ठे होकर और ईगो ईर्ष्या होकर अपने सभी संगठनों को साथ लेकर सभी नेताओं को, आप मानते हैं कि अभी तक लोग नहीं जुड़ पाए हैं सही तरीके से? देखिए अभी तक ये हो रहा था कि अलग अलग कबीले में लड़ाई लड़ रहे थे लोग, कोई BJP से बिका होता, कोई कांग्रेस से बिका होता, लेकिन उन सबका भी हक छीना जा रहा है, और जो यहाँ अभी तक नहीं जुड़ा उसका भी हक छीना जा रहा, सभी पिट रहे हैं कहीं ना कहीं, सबके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसलिए अब सब शिक्षित हो चुके हैं, सब एक मंच पर आए हैं, और ये नए अधिकार महाकुंभ का मतलब है कि पूरे बहुसंख्यक समाज को एक मंच पर लाकर अब आने वाले टाइम में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, और इस सरकार को आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट की ताकत से और जनशक्ति की ताकत से हम उखाड़ फेंकने का। 85% लोग कहते हैं कि 85% है SC ST OBC माइनॉरिटी मिलाकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हर स्टेट में मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन हालात तो अलग हैं। तो क्या 2024 की रणनीति क्या रहेगी सर? मैं तो ये कहता हूँ 24 की जरूरत नहीं है, ना 23 की जरूरत है लास्ट की। आज जो है 130 से 33 वो हमारे SC कोटे के सांसद हैं, कुल मिला के 300 और पौने 300 के बीच में SC ST OBC के सांसद है ना, और देश के अंदर जितनी भी 28 से 32 राज्य हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के विधायक है ना। अगर वो एक बार अपने जमीर को जगा ले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दे कल मोदी जी के खिलाफ 300 सांसद 272 में सरकार बनती है, हमें 24 की वेट करने की जरूरत नहीं है, ना EVM की जरूरत है हमें। हमारे जो सांसद जीते हुए हैं वो BJP कांग्रेस की गाइडलाइन से हटकर और मंच पर आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दे आज इस मंच से, अगर हम मोदी जी से इस्तीफा दे देंगे अगर उसने जाति जनगणना, तो वो तो कह रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है सरकार में। कौन कह रहा है? सरकार विकास कर रही है, तभी तो नहीं बोल रहे। वो इसलिए बोल रहे हैं
उनका भला हो रहा है। 47 मंत्री हमारे बनाए हुए ना, ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं बनाया, हमने बना दिया। 47 मंत्री बनाने से देश के जो 1 अरब 10 करोड़ लोग हैं उनका भला हो गया? 47 आदमी के रिश्तेदार उनके चमचों का भला हुआ ना? हमें तो 1 अरब 10 करोड़ लोगों को हक दिलाना है। और अब ये जो महाकुंभ है, ये अब हमारा आंदोलन ही नहीं है, अब हमारा हिस्सेदारी का आंदोलन है ये। अब हमारा न्यायपालिका में जो कोलोजियम सिस्टम की वजह से जो प्रधानमंत्री तय कर देता है, अब ये चीफ जस्टिस होगा। क्यों? यूपीएससी की तरफ परीक्षा कराकर आप उसको इंटरव्यू व्यवस्था की तरफ करा दीजिए, आप हम सेलेक्ट हो जाएगा जज। सरकार तो शुरुआत कर दी लेकिन जज ही नहीं माने। देखिए जज क्यों मानेंगे? 350 परिवार एक ही जाति के लोग आज 75 वर्ष से कब्जा जमाए बैठे हैं। कहाँ पर है आज 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बताइए कितने SC ST की 75 साल में 2 SC के 2 ST के और 2 OBC के 6 जज 75 वर्ष में आज तक सुप्रीम कोर्ट के बने। क्या यही न्याय है? जो 10% के वो 90% कब्जा जमाए बैठे हैं, और जो 90% है उनकी हिस्सेदारी जो 6 जजों पर है। ये सब जो है छल कर धोखे से हमारे लोगों को गुमराह कर ये हमारा हक छीना जा रहा है। अब हमारे लोग शिक्षित हो गए, जागरूक हो गए, बड़े बड़े महाकुंभ कर रहे हैं। अब हमारे लोग जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अब रोड पर निकल चुके हैं। और अब ये कोलोजियम सिस्टम भी बंद होगा, लेटर एंट्री भी बंद होगी, और जो देश को बेचा जा रहा है, जो आज गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा LIC और बिजली कंपनियाँ पेट्रोल कंपनियाँ गैस कंपनियाँ सब बेच दिया। ये तो कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आते ही सबसे पहले इन्हें देश बेचना शुरू कर दिया। देश बेचने का प्राइवेटाइजेशन का एक ही मकसद है, जो आरक्षण ST ST OBC को मिला हुआ 49.5% उसको ख़त्म करना है, और हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वहाँ गुलाम बनाना है। जो हमारी 70,000 सैलरी थी आज वो 15,000 पर आ जाएगी, और हमारे को सुविधा नहीं मिलेगी। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, ST ST OBC का आरक्षण छीनने का षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। आज संविधान को मानते तो SC ST वो जो EWS का 10% आरक्षण वो कैसे लागू कर दिया, जो 100% से ज़्यादा आरक्षण जा नहीं सकता। जब 49.5% हमारे पास है, 50% उनके पास है, तो 100 तो हो गए ना, तो 10% किस कोटे में दिया? कौन सी न्यायपालिका कौन सा संविधान उसको गवाही देता है? कोई नहीं देता। ये लोग जो है, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना इस मामले पर उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे किसी जाति में हो किसी में भी हो, उसको मिलेगा। अरे तो हम तो कह तो रहे हैं जातिगत जनगणना करा, जो जिसकी आर्थिक सामाजिक सृष्टि कमजोर है उसको शिक्षा में। लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र सर, वो तो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होगा तो सारे के सारे समान हो जाएंगे, जाति के जनगणना अब आता तो हमें हिंदू बना दिया जाता है, और जब चुनाव चला जाता तो मैं OBC ये SC ST ये जाट गुज्जर ये सब बना दिया जाता है। क्यों? जब पिटने का नंबर आता है तो हमें जातियों में बांट दिया जाता है, और जब वोट लेने का टाइम आता है तो हमें हिंदू बना दिया जाता है। ये देश जो है भाईचारे से चलता, मानवता से चलता है, और ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने आज़ाद कराया, और सभी लोग इसमें योगदान करते हैं। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, तो 9 साल से बैठे हुए हैं, किसने रोका इनको? हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, सारे मंत्री हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, न्यायपालिका हिंदू। क्यों नहीं घोषणा कर देता रात को 8 बजे आके, जैसे GST की कर दी घोषणा 8 बजे, जैसे नोटबंदी की कर दी, जैसे लॉकडाउन की 8 बजे आके कर देता, आज रात को 8 बजे आके ये प्रधानमंत्री, सब कुछ इसी के पास तो है। क्या कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा जब हिंदू राज की घोषणा होगी क्या? ये सब हम लोगों को 24 के लिए आपस में बांटने का षड्यंत्र हो रहा है, और हिंदू के नाम पर हम लोगों को मुसलमान के खिलाफ कर हमारी वोट लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब हम समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। तमाम OBC जो है इस समय घरों में बैठे हुए हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई हम OBC हैं, ये भी OBC है, अब से सब निकल रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में OBC महासभा सबसे ज़्यादा निकली हुई है, सरकार की हाली हुई है, पूरे देश के अंदर OBC महासभा निकल रही है। OBC जिस दिन RSS की दरिया बिछानी बंद कर देगा, जिस दिन BJP की दरिया बिछाना बंद कर देगा, जिस दिन राम मंदिर का घंटा बजाना बंद कर देगा, उस दिन OBC अकेला ही इस देश के जितने हक अधिकार छीने हुए हैं वो सब भी दिला देगा, और इस देश की सत्ता पे भी कब्जा करके और इस देश को भी आगे ले जाएगा। ये OBC की ताकत है, वो सोया हुआ शेर है, अब वो सोया हुआ वो जाग रहा है, और जैसे वो जागेगा तो तुरंत वो अपने सब छोटे बड़ों को साथ लेकर और इस देश की सत्ता पे काबिज कर होगा अपने संगठन और बटन की ताकत से। और उसकी संख्या है, हर दूसरा व्यक्ति इस देश में OBC है, 72 करोड़ OBC है इस देश के अंदर। तो OBC से मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग आप निकलो,
घरों से अपने बच्चों का जो हक अधिकार छिन रहा है। अगर 14 से 23 के अंदर एससी एसटी को तो फिर भी हक मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा ओबीसी का हक छिन रहा है। आज 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री तो ओबीसी है सर। अरे वो तो ओबीसी मुख्यमंत्री रहते उसने अपने को डाल लिया, उसको पता है ओबीसी की वोट की जरूरत है। वो जो है फेक ओबीसी है, अगर वो असली ओबीसी होता तो हमारा हक क्यों चिंता, हम आज यहाँ महाकुंभ क्यों करते। ओबीसी निकल इसीलिए रोड पर रहा है कि उसका भी हक अधिकार छिन रहा है, और एससी एसटी से भी ज़्यादा जान रहा। अब ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराते, एससी एसटी की करा रहे हैं, पेड़ पक्षियों की करा रहे हैं, घरों की करा रहे हैं, संपत्तियों की करा रहे हैं। भाई हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारा भी योगदान है। अब हमें ज़रूरत है कि हमें भी गिनती में लिया जाए, और हमारी गिनती में जितने हमारे आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको शिक्षा नौकरियों में राजनीति में और उनकी योजना में उनका हिस्सा चाहिए, और वो नहीं मिलेगा तो ओबीसी का शेर और हाथी जो है वो जाग चुका है। सर क्या कहें, अभी जो सत्र चलने वाला है संसद का, कितना दबाव रहेगा सरकार पर? देखिए आज ये जो माननीय काशीराम की जयंती पर और सावित्रीबाई फूले की जयंती पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और हम लोगों का आज इस मंच के माध्यम से देश की सरकार को ये आह्वान है ज्ञापन के माध्यम से कि जो 15 तारीख से संसद का सत्र चालू हो रहा है इसके अंदर जनगणना के साथ आप जातिगत जनगणना कराइए, और आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, और वरना अगर आप ये दोनों मांग हमारी नहीं मानते हो तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी बहुसंख्यक समाज सभी को लेकर एक रथ यात्रा के माध्यम से गांव गांव शहर शहर जाकर एक एक बहुसंख्यक समाज को जगाएगा, और उसको रोड पर लाकर एक बड़ा आंदोलन कर वोट की ताकत से जनशक्ति की ताकत से इनको उखाड़ फेंकने का। तो दोस्तों ये विजेंद्र यादव जी से लगातार आप इनके वक्तव्य सुनते रहते हैं, और तीखी तेज तर्रार शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी को उसका हक नहीं मिला तो 2024 में वर्तमान सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।